Uh, जिसे आप एक तरीके से मिस्टिकल मैजिकल कह सकते इट्स ऑलमोस्ट लाइक प्लेइंग टू कैरेक्टर्स इन अ शो बिकॉज शी इज जब वो जब आप पास्ट में उसे देखते हैं तो वो एक यंग ऑफिसर है अभी अभी आई है घबराई हुई है उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई नहीं है शी इज़ लकी टू फाइंड अ ग्रेट मेंटो एंड उसके बाद वो अंडर हिज मैंटोशिप एंड लाइफ के एक्सपीरियंस की, की वजह से अपनी जॉब की एक्सपीरियंस की वजह से कॉन्फिडेंट हो जाती है और एक रैंक पर भी पहुंच जाती है तो जब आप प्रेजेंट डे में उसे देखते हैं युग के साथ में तब तक वो डीएसपी बन चुकी है एंड अब वो एक यंग ऑफिसर है जिसने ज्वाइन किया है तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक किसी का करियर किसी के लाइफ का पूरा डेकेड ट्रेस करना एज समबडी हु स्टार्टेड वर्किंग वेरी यंग आई नो कि बहुत डिफरेंस होता है जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं नहीं करनी और जब आप उसमें एक कमांडिंग पोजिशन तक पहुँच जाते हैं तो वो पूरी चीज़ को ध्यान में रखना और नॉन लीनियर शूट करना कभी पास्ट कभी प्रेजेंट वो चैलेंजिंग था ड्रीम कम ट्रू यार वर्किंग विद सच ब्यूटीफुल फेसेस ब्यूटीफुल अगेन ग्रेट स्टोरी बैक्ड बाय ग्रेट प्रोड्यूसर्स ऑन अ ग्रेट प्लेटफॉर्म सो आई थिंक विन विन फॉर एवरीवन। अ वेरी ऑनेस्ट इंपल्सिव मैन इमोशनल

उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट इतने चल रहे हैं ना अपनी लाइफ के और उसके पास ट्रामाज इतने लेयर्ड है ना उसके डिफेंस सिस्टम में और डिफ़ेंस मैकेज़म में या फिर उसका जो एक तरी या उसका जो कैरेक्टर है जो उस तरह से वो बोलता भी है जिस तरह से वो वर्क करता है वो सब उसकी उसमें झलकता है उस कैरेक्टर में मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये कैरेक्टर प्ले करना क्योंकि एक चीज़ नहीं चल रही है बहुत चीज़ें चल रही हैं उसका खुद का पास्ट पीछे चलता चल रहा है उसके खुद के ट्रामाज हैं जो हिट करते रहते हैं बार बार Uh, जो वो कैरेक्टर बना है वो अपनी uh, जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसकी वजह से वो ऐसा कैरेक्टर युग बना है और थिंकिंग बहुत फास्ट है उसकी उस वजह से वो बॉडी लैंग्वेज बहुत उसकी uh, क्या बोलते हैं अनईजी सा है अंदर से वो तो वो वैसा कैरेक्टर है मेरा मैंने वो रोल नेगेटिव सोच के किया नहीं था मेरी मतलब गलती नहीं थी उसमें एज जो कैरेक्टर था वो उसको काम वही सिखाया उसके बाप ने और वो वही कर रहा था और बखूबी निभा रहा था और अपने बल्कि बढ़ाना ही चाह रहा था अपना बिजनेस तो मेरे लिए वो विलन नहीं था अगर मैं ये सोच के करता मैं विलन हूँ और मुझे छः दिन कमरे में बंद होना पड़ेगा इस इस मैंटेलिटी को निभाने के लिए तो फिर वो मैं मेरी टेक्निक्स दिखने लग जाती तो दैट कैरेक्टर वॉज़ रियली कूल ब्रीजी येट मैनिसिंग येस इंटेंस बट ही वॉज कूल ब्रीजी मैंने मार भी रहा था तो बहुत उसका रिदम एक टक 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 वाला रिदम है युग का रिदम बहुत अलग है ही इज़ रियली फास्ट और बोल भी मैंने स्पेशली बोला भी क्लियर नहीं है इसमें जो हिंदी बोली है मैंने वो भी क्लियर नहीं बोली है जो अल्फाज मैंने उर्दू के चाहे जो भी जबान है मेरी वो मैंने बहुत ही ज़्यादा ठेठ फास्ट फास्ट बोलने का कोशिश की है अब वो पता नहीं अच्छा दिखेगा नहीं दिखेगा ऑडियंस के ऊपर है बट वो मैंने कोशिश की है कि मैं जो लोग थाट प्रोसेस बहुत फास्ट रखते हैं वो जनरली या तो बहुत फास्ट बोलते हैं या जल्दी जल्दी उन्हें अपना सेंटेंस निपटाना होता है जैसे मैं अभी कर रहा हूँ वो युग है एक्चुअली तो इससे काफ़ी वो है बट वो बहुत ज़्यादा ऐसा है कि भैया ये कैरेक्टर था वो तो वो चेंज है यही बस डिफ़िकल्टी हुई बढ़िया एक्सपीरियंस है यार आई थिंक जर्नी जो है मेरी रही है बैक डांसर बनने आया था ये सब मैंने जैसे बोला है बोनस चल रहा है बैक डांसिंग भी की सब किया को कोरियोग्राफ किया फिर किसी ने होस्टिंग के लिए बोल दिया तो ये चौदह पंद्रह साल सब ट्राई किया है मैंने लाइफ में और मज़े मज़ा आ रहा है यार अभी इस वक्त ये करने में मज़ा आ रहा है और अच्छी एक्सपीरियंस रहा है बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है बहुत एक्सपीरियंस मिला है इस एक्सपीरियंस में सो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव हैड अपॉर्चुनिटीज कम माय वे वेयर ऑल माय कैरेक्टर्स हैव बीन वेरी डिस्टिंक्ट इन वेरी डिस्टिंक्ट डिफरेंट डिस्टिंक्ट स्टोरीज सो दैट्स माय गुड फॉर्चून आई लाइक दैट टू कंटिन्यू देयर इज सम कॉन्शियस एफर्ट थॉट बिहाइंड इट इज वेल कमिंग टू प्लेइंग characters in uniform I think it's a sense of great pride really and like uh, another, journal, uh, your fellow journalist had asked me the same question and I said the same that I'm going to tell you that the moment you wear that uh, uniform there's, you, you feel that change, you feel that immediate change you, your shoulders square up your voice just becomes more active and authoritative so you see that immediate uh, change in you and uh, i would uh, more than of course the physicality the exterior i would also give it a lot of thought in understanding the person what's going on in his head Because after all chahe wo army officer ho ya wo police officer wo hai to insaan aur har insaan ki कि uh, कुछ चैलेंजेस हैं उसके दिमाग में एक तूफान चल रहा है उसके मन में बहुत भावनाएं चल रही हैं तो वो समझना और वो दर्शाना आई थिंक वो इम्पोर्टेंट होता है एंड अपने डायरेक्टर की सुनिए पहचानिए आप कौन सी कहानी में और उस हिसाब से अपना सुर पकड़िए हर कैरेक्टर चैलेंजिंग होता है एक अपने तरीके में अगर आप उसमें बनाना चाहें तो हाँ चैलेंजिंग है क्योंकि मैं भी राघव की तरह एक्चुअली एक अलग वर्ल्ड से आ रही थी इस एक्सपीरियंस इस के पहले तो बिकॉज आई हैड प्लेड दिस गैंगस्टर नाउ इट्स नॉट अबाउट कि गैंगस्टर है ये कॉप है दोनों दोनों कैरेक्टर्स की और मैंने भी जैसे कि वो कह रहे थे ना कि नेगेटिव कैरेक्टर अगर जो भी ग्रे कैरेक्टर्स को आप प्ले करते हुए नहीं उन्हें जज कर सकते आप नहीं सोच सकते कि मैं ऐसी हूँ ऐसा है, मतलब कि मतलब कि ये कैरेक्टर ऐसा है आप उसको जज नहीं कर सकते आपको लगता है कि मैं आप जस्टिफाई करते हैं उसको अपने आप को तभी आप उसे कन्विंसिंगली प्ले कर पाते हैं उसके बाद वेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी क्योंकि अभी अभी मैं एक यू you नो know, ऐसा कैरेक्टर प्ले करके आई थी जिसके सही और गलत हमसे अलग हैं और इस कैरेक्टर के सही और गलत हमारे जैसे हैं इन फैक्ट शी इज़ मोर अपराइट एंड एंड यू नो शी हैज़ द इंटेग्रिटी एंड शी विल फाइट फॉर द राइट थिंग तो फॉर मी द कॉन्ट्रास्ट वॉज वॉट वॉज चैलेंजिंग एंड बाकी लाइक दे रे ऑल्सो सेड कि जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो अपने आप ही उसमें एक प्राइड है जो आपको फील होती है और आपको लगता है कि नाउ यू हैव टू बिहेव अ सर्टेन वे एंड यू डू दैट बाकी हमारा काम राइटिंग और डायरेक्टर ने काफ़ी सॉल्व कर दिया था उन्होंने बहुत मेहनत की हुई थी ऑलरेडी वी जस्ट हैड टू अंडरस्टैंड द विजन एंड सरेंडर कम्प्लीटली हर इंसान को जब हम नॉस्टैल्जिक तरीके से कोई भी चीज़ देखें तो पास्ट हमेशा uh, हमें कुछ यादें हमारी मेमोरी भी ऐसे ही वर्क करती है ऑलमोस्ट रील्स की तरह हम सिर्फ हाइलाइट्स देखते हैं और उसमें से जो अच्छी बातें और बचपन की अगर आपकी अच्छी मेमोरीज हो तो आपको हमेशा पास्ट बहुत रोमांटिक और अच्छा लगता है बट आई आई वॉन्ट टू बी मोर लाइक राघव आई वॉन्ट टू लिव इन द मोमेंट आई वॉन्ट टू बी मोर प्रेजेंट एंड एंड या yeah, वो भी अच्छा था और ये भी अच्छा है होपफुली द फ्यूचर विल बी इवन बेटर और सिनेमा जैसे हम बात कर रहे थे सिनेमा की मुझे लगता है कि 90s 80s 90s में एक एक अलग वेव सी चलती थी जब पैरेलल सिनेमा की जब जाने भी दो यार हो, प्रहार मंथन और ये सब को भी बहुत इन इन सब की वजह से जो ऐसे एक्टर्स थे जो सच्ची में मतलब रिलेटेबल कहानियाँ जैसे हम अभी देखते हैं साउथ की फिल्मों में बहुत सारी फिल्में यहाँ होती हैं जो रिलेट कर पाएँ हम कहानियाँ हम कोई यू नो अमेरिक अमेरिकन ब्यूटीज देखना नहीं चाहते या फिर वहाँ का कहानी नहीं देखना चाहते वहाँ पर क्या हुआ है वो देखना नहीं चाहते हैं uh, हम देखना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल पुष्पा कैसे लड़ेगा मज़दूरों के लिए फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ और वही चीज़ पहले भी होती थी वही चीज़ अगर अभी भी लोग करें करते हैं वो चीज़ हिट होती है चाहे तो आप बारहवीं फेल देख लीजिए चाहे आप लापता लेडीज़ देख लीजिए किल देख लीजिए अगर रिलेटेबिलिटी हो कम से कम इंसान इंसान तो लगे टीवी स्क्रीन पर बता तो पाई यार ये मैं हो सकता हूँ तुमने वो थॉट प्रोसेस ही अगर बिगाड़ दोगे इंसानों इन, की कि यह मैं हो ही नहीं सकता कभी लार्जर देन लाइफ मुझे वो नाइन्टीज़ में मुझे पसंद था वो दौर जब वो एक वेव चली थी जिसमें प्रहार और अर्ध सत्य और ये सब ओम पुरी साहब नसीर साहब इरफान साहब जब हम इनको देख पाते थे और रिलेटेबल लगता था कि यार ये मेरा पड़ोसी है ये ऐसे हैं तो एक वो बड़ा अच्छा लगता इवन अमिताभ बच्चन साहब जब आते थे तो लगता था कूली आ रहा है तो लगता था कूली है पसीना रहता था एक रिलेटेबिलिटी थी अमेरिकन ब्यूटीज़ देखने नहीं जाता मुझे पसंद नहीं है देखना मैं देखूँ अमेरिक मैं हाँ वो जो एक कॉन्सर्ट बना दिया ना मतलब रिलेटेबिलिटी ख़त्म हो गई है अब साउथ के स्टार्स इसलिए स्टार्स अभी तक हैं क्योंकि वो जनता की तरह हैं फहाद फासिल हैं वो फील कर सकता हूँ मैं हायर मैं एक आदमी आद, एक इंसान है स्क्रीन पर ऑर्गेनिकपन बाकी तो क्या है